अस्सलाम वालेकुम, मैं आई के पेंटर इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई के पेंटर मेवाती। तो दोस्तों वेलकम बैक, फिर से आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। और आज मैं गांव कोतला का में, तो जो मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही पुराना मकान था। पहले मैं इसकी वीडियो जो बना चुका हूँ वो बैकग्राउंड में दिखाने के लिए आपको डाल रहा हूँ, वो भी दिखाएंगे हम, इसका झलक दिखाएंगे पहले कैसा था मकान और अब होने के बाद कैसा है। तो लगभग तकरीबन जो काम है हम पूरा कर चुके हैं, तो कोई बात ना रहने। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखो ये मकान था, इस पर पलस्तर वगैरह जो इसका गिर चुका है और फिर भी पलस्तर गिरने के बाद भी इसमें ईंटें नजर आ रही हैं, तो भी हमने मकान का कितना अच्छा वीडियो बनाया है और बहुत ही अच्छा। अब देखो टाइम हो गया है मगरिब से बाद का, तो अंधेरा है तो मैं कह नहीं सकता कैमरे में कैसा आ रहा है। तो वैसे देख सकते हैं आप इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो बनाई है हमने अंदर से। यार थोड़ा लाइट नहीं है, नहीं अंदर का रूम है जो हमने बहुत ही अच्छा बनाया है, अंदर की जो इसकी लाइटिंग वगैरह है ना वो नहीं है कमरे में, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। तो भाई ने फ्लैश जला दिया है, तो दिखाते हैं आगे का वीडियो, तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। थोड़ा मकान में दिखा रहा हूँ, अगर कोई भाई करवाना चाहे पेंटिंग तो करवा भी सकता है। तो दोस्तों इधर की साइड आ जाइए मेरे साथ। तो भाई मैं दिखा रहा हूँ आपको एक झलक, यहाँ पे दिखाऊंगा छोटी सी। ये देखिए जो लेटरिंग बाथरूम है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी बहुत पुरानी थी और पहले जो इस पे पेंटिंग थी वो पहले भी हमने ही की थी वैसे तो, लेकिन अब जो इसकी पेंटिंग की हमने न्यू लुक में की है, नया लुक मतलब। और वाटर प्रूफ में है, चार्जिंग में है, इसको धो, सॉरी ये वाटर प्रूफ तो है ही और आप इसको धो भी सकते हैं। और ये अपेक्स लगा हुआ है इसमें सारा, तो इसको, और हमारे मिस्त्री साहब उतर के आ चुके हैं। हम ये सोच रहे थे कि वहाँ खड़े खड़े इसका वीडियो आ जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी लग रही उतरना कि इनको क्या करें। चलो भाई जा, तो जा हूँ जा ऊपर जा, कसम लगाए तू हूँ पहुंच लो तो हूँ ना तो डिजाइन पे। तो दोस्तों इधर की साइड में ब्लू कलर से दिया हुआ है जो मैं कम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, इधर की साइड ब्लू कलर है, ये ग्रे है और इधर देख रहे हो आप ब्राउन कलर दिया हुआ, थोड़ा हल्का ब्राउन, और इधर की साइड में ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो बाथरूम में दिखा चुका हूँ, अंदर से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमने, ये आप देख रहे हो मेहंदी कलर है, वैसे ग्रीन नहीं है। आपको अब बहुत से भाई बोलेंगे हरा कलर है, लेकिन हरा नहीं है, फ्लैश बंद कर लेगा। तो ये हरा नहीं है, तो हरा कलर है नहीं, ये है मेहंदी कलर और यहाँ पे गोल्ड है, और यहाँ पे डिजाइन दी हुई है हमने, देखो गोल्ड कलर का और ब्लू कलर का, रेड कलर का कॉम्बिनेशन बना के इसमें टाइल बनाए हुए हैं। तो इसकी हालत में जो दिखा रहा हूँ, कचेरी जो हालत थी पहले मकान की तुमने देखी थी कितनी जर्जर हालत थी, तो अब यहाँ पे देखो इसकी अंदर से बहुत ही अच्छा लुक आ चुका है। अंधेरा हो रहा है तो मैं और आपको बाद में दिखा दूंगा, तो हम थोड़ा ऊपर का नजारा दिखाते हैं। फिलहाल ऊपर थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है तो वहां पर लाइट वगैरह जल रही है। तो दोस्तों इधर का व्यू आप देख रहे हो, यहाँ पे काई हुई काई जमी हुई थी, तो दिखा रहे हैं कैमरा संभाले हुए हैं हमारे परवेज भाई साहब और कह सकता हूँ फिलहाल दुल्हा साहब है, तो कैमरामैन हमने वही बना दिए हैं। तो दोस्तों मैं चढ़ रहा हूँ सीए, ये सीढ़ी वगैरह देख रहे हो आप, वैसे मकान काफी पुराना है और इसका जो हमने सुधारने की कोशिश किया है, कोई दिक्कत ना तो काट मत। तो दोस्तों आ जाइए मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने जो HD 3D डिजाइन की है, यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी इसकी करने की और ना ही इसको कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने किया है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कट पीस बहुत ज्यादा आ चुके हैं, इधर जंगला भी आ गया है, कभी आला आ गया है, कहाँ खूंटी आ गई है, लेकिन बहुत मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन कर चुके हैं इसको हम और लगभग भारी हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लगे हुए मिस्त्री भी हमारे साथ कुछ, और कुछ अपने हाथ पैर धो रहे हैं। तो यहाँ पे लड़के आए हुए हैं हमारे साथ, सात लड़कों ने जो काम किया है हमने बहुत जल्दी में किया है, फास्ट में तो इतना टाइम नहीं था, तो इतनी वहाँ में जल्दी जल्दी किया है। तो तैयब हाय कर रहे हैं और अंदर का लुक दिखा देते हैं हम थोड़ा सा, चौबारे का जो वो भी देख लीजिए आप, इसमें कारपेट बिछा दिया है, तो माशाल्लाह देखिए वो कारपेट का जो लुक है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा एकदम, सॉरी मैं टाइल भी बता सकता था तुमको इनको, लेकिन झूठ अच्छा नहीं। यहाँ पे देखिए कारपेट बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। और इधर देखिए ग्रीन कलर दिया हुआ है, मतलब हल्का ग्रीन है, वैसे लाइट की वजह से ब्राइटनेस पड़ रही है इस पर। ये देखिए बल्ब जलने के बाद में तो लुक और अच्छा आ रहा है मकान का। तो ये पुराने मॉडल का है, तो दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भाई साहब अलग इन्वर्टर भी लाए हैं, नया इन्वर्टर ला रखा है भाई साहब ने, खर्चा क्या है माशाल्लाह बहुत। तो मैं बता सकता हूँ वैसे ये मेरी मौसी का मकान है, यहाँ पे मैं बहुत आता हूँ, बचपन यही गुजरा है मेरा, सारा पुरानी यादें जुड़ी हुई इन मकानों से। तो दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में लाइफ में ये चौबारा ऐसा कभी नहीं देखा, शायद अगर पहले ऐसे रहता तो बहुत अच्छा लगता, अब हमने मेहनत की इसमें तो बहुत ही अच्छा हुआ है। आज बाहर आई थोड़ा, और यहाँ पे देखिए एक इधर भी एक बंदा लटका हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको जंगले से, हाँ 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 कर दे कोई दिक्कत ना, थोड़ा बहुत ज्यादा मत फैलाए, थोड़ा लगा दियो। तो दोस्तों यहाँ पे कर दिया है, और दूसरा चौबारा भी है पर छोटा वाला, उसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ।
वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहेगा, अगर कोई भाई बोर हो रहा है तो माफी चाहूंगा, ज्यादा इतनी बोरिंग वीडियो है नहीं। वैसे इतनी जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मेरे जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं वो तो नहीं टहलने वाले, लेकिन नए सब्सक्राइबरों से मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो। देखियो भाई, आप मेरी नई नई वीडियो देखते रहते पेंटिंग की, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। और यहाँ पे परवेज भाई एक झलक और दिखा दीजिए इस दीवार की, थोड़ा पूरा फोकस करके। तो कैमरामैन भाई साहब फिर एक बार घुमा रहे हैं पूरी दीवार पर। अगर कोई हमारा भाई बनवाना चाहे डिजाइन बनवा सकता है, पेंटिंग कराना चाहे करा सकता है। वाटरप्रूफ है, 3D में है, HD में है, और जो भी कोई अगर वॉलपेपर वगैरह लगवाना चाहो आप लगवा सकते हो। तो ये देखिए मकान हम कर दे, कुछ मकान में अभी रह रहा है इसमें, वो भी हम लगाएंगे साइड साइड जो रह रही है इसकी, तो लगभग वैसे काम सारा पूरा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हम भी अब लेते हैं विदा, अस्सलाम वालेकुम, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हमारे नसीब में ऐसा पेंट भी आया है जो बूढ़ा मकान उसको जवान करना पड़ रहा है हमें। और ये मकान देखो, इसकी ना लिसाई है ना पुताई है, कुछ ना इसको। अब मैं इसकी रिपेयरिंग में तो लग चुका हूँ, और हमारे कार्यकर्ता हैं जो इसमें लग चुके हैं। ये देखिए आपके सामने ये दिख रही दीवार, देखो पहले गौर से देखो, और अब मैं इसकी जो शक्ल है थोड़ा हम वो चेंज कर रहे हैं। तो हमें ऑफर यही मिला है कि इसको भाई आप सही कर दो, अब तुम भी देख सकते हो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ये पेंटरों का काम नहीं सही करना, लेकिन फिर भी देखो एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं इसका कुछ करने वाला हूँ। ये देखिए पहले हम लगा रहे हैं इस पर वाइट, क्योंकि ताकि जो ये मसाला है वो झड़े ना, उसको रोकने के लिए हम इस पर वाइट लगा रहे हैं। और वाइट लगाने के बाद में फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। ये लगे हुए हैं अपने कार्यकर्ता, काम कर रहे हैं। ये देखिए जवान चढ़े हुए हैं हथियारों को लेके, अपनी ब्रश चला रहे हैं, रोलर चला रहे हैं, और इधर मुब्बी, अब देखो कान में वो मशीन है, इसको कम सुनाई देता, वो लगा रहे हैं ताकि ये लाइन में रहें। इसी वजह से इसका कान बहरा हो चुका है, इसके जो झगड़ा हो गया था कल रात में, इसकी बीवी ने इसके थप्पड़ मारा कान पे, तो सभी कर ख़त्म। तो ये देखिए, और इधर का तो कायाकल्प हम करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये डब्बे वगैरह हैं पेंट के जो यहाँ पे फैले हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लग रहे हैं इसमें।